सारा, क्या देख के इतना अपसेट हो रही हो? अगले हफ्ते अमेरिका से मेरे मंगेतर आ रहे हैं फैमिली के साथ, और मेरे चेहरे का हाल देखो। एक हफ्ता तो बहुत है। ये लो माया ग्लो ब्यूटी क्रीम। माया ग्लो ब्यूटी क्रीम फ्रेंच बेस्ड फॉर्मुलेशन के साथ सिर्फ एक हफ्ता इस्तेमाल से मिले बेमिसाल खूबसूरती। माया ग्लो ब्यूटी क्रीम कील महा से दाग धब्बे दूर करे, रंगत निखारे, चेहरा बनाए हेल्दी, दिलकश और खूबसूरत। निखरी रंगत और पुरकशिश चेहरा माया ग्लो ब्यूटी क्रीम के साथ। जिंदगी में भरो खूबसूरती के रंग, माया ग्लो ब्यूटी क्रीम से ग्लो करो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ आपका मेजबान मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है, और मैच पर रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब, और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है माया कॉस्मेटिक्स की जानिब से। माया कॉस्मेटिक्स का कहना है कि पीएसएल सीजन में वो लेकर आए हैं आपके लिए एक ऑफ़र, जिसके ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं 20% डिस्काउंट। तो ऑनलाइन ऑर्डर करें और 20% डिस्काउंट हासिल करें। अब चलेंगे मैच के रिव्यू की जानिब। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? हसन भाई आप ठीक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, आप भी दुआएं। अच्छा हसन भाई, आज का जो मैच था वो लाहौर कलंदर्स ने 4 विकेटों से जीत दिया, और अब फाइनल होगा मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स का। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से आप? अच्छा मैच हुआ, और आज बारिश का बड़ा खतरा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैच मुकम्मल हो गया। और लाहौर कलंदर जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, सिवाय एक मैच के जिसमें वो 76 पे आउट हो गए थे, मेरा ख्याल है उसके बाद उन्होंने सबक सीखा और बड़ी केयरफुली उन्होंने प्लानिंग की, क्योंकि आज उनकी जो इनिंग्स थी उसमें वो प्लानिंग बिल्कुल वाजे तौर पर आ रही थी, और ज़ाहिर 4 विकेटों से वो कामयाब हुए। पेशावर जलमी ने अच्छा स्कोर बनाया था 171/5, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा एडवांटेज अपने हाथ से गंवा दिया जब 89 रन की जो पार्टनरशिप हुई थी सेकेंड विकेट की बाबर और हारिस के दरमियान, उसके बाद वो अपनी बैटिंग को मेंटेन नहीं कर पाए। सही सही। आज बक्सा ने 25 रन जरूर बनाए, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो विकेट पे ठहरता, और आज बहुत ही शानदार इनिंग खेली। 54 गेंदों पर उन्होंने 85 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल है। तो 171 का स्कोर कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था, और मैं समझता हूँ लाहौर कलंदर ने बड़ी समझदारी के साथ बैटिंग की। मिर्जा बेग जो उनके ओपनर है, उन्होंने 54 रन बनाए। फिर उसके बाद सैम बिलिंग्स ने 28 रन बनाए, सिकंदर रजा ने 23 रन बनाए। और अगर आप देखें लाहौर कलंदर की बैटिंग की खास बात ये थी कि कोई नुमाया स्कोरर नहीं थे सिवाय मिर्जा बेग, लेकिन सबने ही थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। आखिर में शाहीन आफरीदी आए, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि एक ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं। उन्होंने आते ही 1 छक्का और 1 चौका लगाया और मैच को उन्होंने वाइंड अप कर दिया। सही। तो इस तरह बड़ी अच्छी कामयाबी थी लाहौर कलंदर की, और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। मेरा ख्याल है ये फाइनल जो है वो काबिले दीद होगा। बिल्कुल जनाब, और यकीनन जैसे कि हसन भाई हमारे साथ मौजूद है पूरे पीएसएल में, और कल हम फाइनल पर भी यकीनन इनसे बात करेंगे, इनसे तजिया लेंगे मैच का। अगर हसन भाई हम बात करें अब ओवरऑल पीएसएल हवाले से, अगर आप देखें तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये ब्रांड जिस तरह से ऊपर गया है, नया टैलेंट हमारे सामने आया है, और कितने मजीद खिलाड़ी आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी टीम में शामिल हो सकते हैं, बॉलर्स बैट्समैन? देखिए मैं अपने तबसरों में बारहा इस बात का इजहार करता आया हूँ कि पीएसएल जो है वो हर साल इम्प्रूव कर रहा है, और इस साल मेरा ख्याल है कि जो पीएसएल में परफॉर्मेंस रही, जो स्टैंडर्ड देखने में आया, जिस तरह के खिलाड़ी शामिल थे, फिर टीमों ने जिस तरह का खेल पेश किया, मेरा ख्याल है बिला शुबा इस वक्त ये जो टॉप 2 या 3 जो लीग्स हैं उनमें ये पीएसएल भी शामिल है। और मेरा ख्याल है वो वक्त दूर नहीं है कि जबकि पीएसएल इंशाल्लाह बहुत जल्द सबसे बड़ा ब्रांड बन जाएगा, क्योंकि इसकी 2-3 क्वालिटीज हैं। अगर आप दूसरी लीग्स को देखें तो उसमें वो सीरियसनेस, वो लगन, वो मेहनत नजर नहीं आती जो वो इस टूर्नामेंट में देखने में आती है। और यही वजह है कि बाहर से आने वाले खिलाड़ी इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि वो पीएसएल
खेलना चाहते हैं, और जो इस मरतबा नहीं खेल पाए उन्होंने भी अपने घर बैठकर मैचेस देखे, जैसे डेविड वार्नर ने इन ख्यालात का इजहार किया और अपने ट्विटर पे भी उन्होंने लिखा कि मैं पीएसएल को मिस कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को इसको सिलसिले को जारी रखना चाहिए। बड़ी कामयाबी के साथ इनकाज हुआ और बड़े पुरान माहौल में टीम में बड़ी खुश है और मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जहां तक खिलाड़ियों का सवाल है तो आप इसका एक नतीजा देख लीजिए कि अभी अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैचेस हो रहे हैं उनमें आपके नए खिलाड़ी पीएसएल से ही निकलकर शामिल हुए, एहसानुल्लाह उसमें खेलेंगे, ठीक है ना जी, जो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद साहिब अयूब को टीम में शामिल किया गया है, कुछ और नए खिलाड़ी भी टीम में शामिल हुए हैं। तो अगर 4-5 खिलाड़ी एक टूर्नामेंट से शामिल हो गए हैं तो उनके लिए जाहिर है एक ओपन मौका है कि वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं, अच्छी परफॉर्मेंस दें और टीम में मुस्तकिल जगह बनाएं। तो पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ भी इससे मजबूत होगी और मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट को इन द लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल जनाब। असल में अगर हम पीएसएल के अरेंजमेंट की बात करें कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे अरेंज किया सिक्योरिटी के हवाले से, इसके इंतजाम के हवाले से, तो उस पर आप चंद लफ्जों में क्या कहेंगे कि कैसा ये सारा इंतजाम थे पीएसएल के? देखिए मुख्तलिफ मेरी मुख्तलिफ प्लेयर से भी बात हुई, कुछ बाहर के प्लेयर्स भी हैं जैसे डेरन सैमी जिनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैंने उनसे बात की और मेरा ख्याल है कि जो मेरा सर्वे है वो ये है कि अगर आप नंबर देंगे तो मेरा ख्याल है 100 से 100 हर शोबे में क्रिकेट बोर्ड को नंबर मिलना चाहिए। सही। क्योंकि तमाम खिलाड़ी बहुत खुश हैं, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी निहायत आला थी, हमें उस तरफ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद जो पाकिस्तानियों की रिवायती मेहमान नवाजी है वो हमेशा टीमों को बहुत ज्यादा मुतासिर करती है। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। सारी दुनिया में क्रिकेट कमेंट्री की है और मैं खुद भी गया हूँ, कहीं इतनी ज्यादा आवभगत नहीं होती, कहीं इतनी ज्यादा मेहमान नवाजी नहीं होती जो पाकिस्तानी करते हैं। तो वो चीज भी एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन छोड़ती है तमाम खिलाड़ियों पर। तो बहुत अच्छा रहा, मेरा ख्याल है 100% मार्क्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और उन इदारों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट किया। खासतौर से हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, उसकी जितनी भी दाद दी जाए वो कम। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सही कहा हसन भाई आपने। और इतना अच्छा एक इवेंट होता है ये पीएसएल, इतना बड़ा ब्रांड है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग इंजॉय कर रहे होते हैं बाकी दुनिया के जहाँ जहाँ ये पीएसएल देखा जा रहा होता है वहाँ पर लोग इसको इंजॉय भी करते हैं और इसको ब्रांड भी मानते हैं। हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, कल लास्ट मैच होगा इंशाल्लाह, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम आप सुन रहे थे स्पोर्ट्स राउंड अप, जो कि आप ये प्रोग्राम जो कि हमने आपके सामने पेश किया और ये स्पॉन्सर है जनाब माया कॉस्मेटिक्स की जानिब से। माया कॉस्मेटिक्स का कहना है कि पीएसएल में गोल लेकर आए हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफर जिसमें आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और 20% डिस्काउंट हासिल करें। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। सारा क्या देख के इतना अपसेट हो रही हो? अगले हफ्ते अमेरिका से मेरे मंगेतर आ रहे हैं फैमिली के साथ और मेरे चेहरे का हाल देखो। एक हफ्ता तो बहुत है। ये लो माया ग्लो ब्यूटी क्रीम। माया ग्लो ब्यूटी क्रीम फ्रेंच बेस्ड फॉर्मुलेशन के साथ सिर्फ एक हफ्ता इस्तेमाल से मिले बेमिसाल खूबसूरती। माया ग्लो ब्यूटी क्रीम कील मुहा से दाग धब्बे दूर करे, रंगत निखारे, चेहरा बनाए हेल्थी, दिलकश और खूबसूरत, निखरी रंगत और पुरकशिश चेहरा माया ग्लो ब्यूटी क्रीम के साथ। जिंदगी में भरो खूबसूरती के रंग, माया ग्लो ब्यूटी क्रीम से ग्लो करो। भाकोली के जेरे एहतमाम हैंडपंप प्रोजेक्ट पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जहाँ पानी की शदीद किल्लत है अपने प्यारों के नाम से हैंडपंप सिर्फ $150 में लगवाएं। आपको पंप की तस्वीर, वीडियो और एड्रेस मुहैया किया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए बशीर कमर से 3476545685 या सलमान शेख से 5164584632 पे रब्ता करें।